पताका दो ध्रुयंते, पताकाएं उड़ रही हैं, किसकी? अस्य एव, किसी की पताका, यानी पंजाब में, राजस्थान में, उत्तरी दक्षिणी बिहार में, और आपके कलिंग देश में और बंगाल में, सब जगहों पर अस्य एव विजय पताका, इसी की पताकाएं फहरा रहे हैं। केवलम, केवल दक्षिण देशे, केवल दक्षिण देश के, अधुना अपि अस्य परिपूर्णा अनाधिकार समृद्धा, केवल दक्षिण देशों में, यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पीछे वाले देशों में, महाराष्ट्र से लेकर के, महाराष्ट्र पहला, दक्षिण देशों में यदि आपको प्रवेश करना, महाराष्ट्र से होकर गुजरना पड़ेगा। भारत का नक्शा आप देख रहे हो तो देखो, दक्षिण में तमिलनाडु जाएँ, कर्नाटक जाएँ, केरल जाएँ, कहीं भी आप दक्षिण देशों की ओर, दक्षिण प्रदेशों की ओर यदि करना चाहते हैं तो सारा रास्ता मुंबई से, महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा, और महाराष्ट्र में उसकी रोक लगी थी। माने इधर आप ये देखें, पूरा बिहार प्रांत, राजस्थान का, पंजाब का, ये सारा प्रांत जीतने के बाद अगला प्रदेश, आज के भी नक्शे में यदि आप देख पा रहे हो तो अगला प्रदेश महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र या तो नीचे प्रवेश करता तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में, इधर प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? चूँकि महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया था। अब महाराष्ट्र की कहानी बताएंगे, चूँकि महाराष्ट्र के उस समय के शासक थे वीर शिवाजी। अब यहाँ से इन्होंने कहा केवलम दक्षिण देशे, केवल दक्षिण देश में, अधुना अपि अस्य, इस समय भी इसका परिपूर्णा न अधिकारः समृद्धः, पूरी तरह से इसका अधिकार नहीं, इसका मतलब बहुत सारा हिस्सा महाराष्ट्र का भी उसने अपने कब्जे में कर लिया था। अब कहा, अब क्यों ऐसा नहीं हो पाया था, तो एक पैराग्राफ बताया क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं था। बोले दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति, अरण्यानि संकुलश्चास्तीति, पर्वत दक्षिण के जो देश है ना, उन्होंने जंगल बहुल देश है, और खासकर महाराष्ट्र में आप जब जाएंगे तो उसका आधा प्रांत तो बहुत सारा जंगल है उसमें। तो बोले कि न पर्वत बहुलो अस्ति, अच्छा पर्वतीय रास्तों, मैदानी रास्तों को जीतना बड़ा आसान होता है, और जहाँ जंगली रास्ते हों, पर्वतीय हों, तो वहाँ जो लोकल जातियाँ होती हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको जंगल का, अपने अरण्य का, अपनी गलियों का, कुर्चों का सब पता होता है, और ऐसे में कोई विदेशी आक्रांता या विदेशी सैनिक या विदेश से आने वाले जिनको उस गांव, देश, जंगल का पता नहीं होता, वो वहाँ बहुत सक्सेस नहीं होते। उसका कुछ भौगोलिक रीजन बता रहे हैं अंबिका दत्त व्यास ने कहा, वहाँ का भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी कि उसको जीतना आसान नहीं था, और दूसरी बात, भौगोलिक संरचना के साथ साथ वहाँ राजसी संरचना भी ऐसी थी, वहाँ का शासन सत्ता की संरचना भी ऐसी थी, उनकी भी मानसिकता ऐसी थी कि जो हारना पसंद नहीं कर रहे थे। अब हारना पसंद नहीं करते तो आपको जीतने का प्रयास करना होगा, और जीतने के प्रयास के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले वीर शिवाजी का वहाँ राज्य था। तो कहा दक्षिण देश वही पर्वत बहुलो अस्ति, दक्षिण देश में पर्वतों की बहुलता है, और अरण्यानि संकुला, संकुल माने समूह, जंगल ही जंगल का समूह, एक जंगल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बहुत सारे जंगल थे, इसलिए अरण्यानि संकुलश्चा अस्ति इति चिरोद्योगेन, बहुत उद्योग किया, बहुत प्रयास किया, चिरोद्योग बहुत काल से उसने प्रयास किया कि मैं जीत लूं, पर ना अयम असकत महाराष्ट्र केसरिणो हस्तैतुम, ना अयम असकत, अयम औरंगजेब, ये औरंगजेब ना नहीं, महाराष्ट्र केसरी जो महाराष्ट्र में सिंह के समान है, महाराष्ट्र केसरी जो महाराष्ट्र के शेर हैं, ऐसे इनको हस्तैतुम अपने हाथ में आज तक पकड़ नहीं पाया, अपने कब्जे में ले नहीं पाया, हस्तैतुम ना असकत, अयम हस्तै, अयम औरंगजेब महाराष्ट्र केसरी ना, ये महाराष्ट्र केसरी को हस्तैतुम ना असकत, कभी सफल नहीं हुआ औरंगजेब को कभी पकड़ने में सफल। बोले सांप्रतम इस समय अस्यव आत्मीय, इसका ही आत्मीय दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश का शासक बना दिया गया, शास्त्री खान नामा प्रेष्यते, शास्त्री खान नाम का एक इसका दोस्त है, आत्मीय है, वो दक्षिण देश का राजा बनाकर भेज दिया गया कि जाओ दक्षिण देश को जीतो और राजा बनो। औरंगजेब की देखो राजनीति देखना, अपना खुद नहीं आया, सोचा शास्त्री खान को भेज रहा है, जाओ वहाँ जीतो और वहाँ जितना जीत लोगे उतने के राजा तुम, अब मर गए साले तुम बनोगे, जीतोगे तो राजा भी तुम्हें बनोगे, अपन को जाना नहीं है। वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट वो है ही, जब उसके द्वारा सेना उसी की थी, औरंगजेब सेना का सपोर्ट देता था, घोड़ा भेजेगा, सैनिक भेजेगा, रथ देगा, पैसा देगा, लेकिन गुरु जाना तुमको पड़ेगा। देखिए जब आपको ये लगे ना संदेह होता है, मारे भी जा सकते हैं, इसीलिए कभी भी आप ये देखेंगे, मैं कल बता रहा था कि महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए कभी अकबर नहीं आया, क्यों?
उसको पता था मारे जा सकते हैं। और गुरु अकबर आ जाता ना तो युद्ध का रिजल्ट कुछ और हो जाता। जब शत्रु आपका आपके सामने होना तो जोश 10 गुना बढ़ जाता है। और महाराणा प्रताप के युद्ध में बहुत अच्छा ना कर पाने का एक रीज़न ये भी था। क्या बहुत अच्छा तो वो करते थे, क्योंकि उनके सामने जो लड़ने आते थे ना वो भी राजपूत ही होते थे भाई। उधर से वो सेना कौन सी भेजता था? राजपूतानी सेना होती थी। तो इधर से भी राजपूत होते थे, उधर से भी राजपूत। देखो अपनों को मारने में हाथ तो कांपेगा, अपने ही जब सामने हो और अपनों को ही मारना हो हाथ तो कांपेगा। अब यदि आप इतना इतिहास पढ़े हो, उधर से मान सिंह और इधर से ये भी महाराणा प्रताप, तो भले ही कितना हो अपनों को अपने हाथ से मारना थोड़ा मुश्किल है। अकबर का यही स्ट्रेटजी काम करती थी। इधर से भी वो मान सिंह के अध्यक्षता में सेना भेजता था, इधर से भी राजपूताना टुकड़ी आगे आगे चलती थी। मान लो आगे मुगलों की सेना होती और साथ में अकबर होता तो फिर हर बार का रिजल्ट इतनी छोटी सेना में ही कुछ और होता। बोलिए हाँ या ना? तो आप ये देखें ना, ऐतिहासिक भौगोलिक सीमा ही इनकी ऐसी थी। इधर देखो शास्त्री खान को राजा बना दिया, तिलक लगा दिया कि तुम राजा हो। साला जिसका तुम राजा बना रहे हो अभी तो वहां का राज ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बोले जाओ लड़ो जीतो राजा बनो। जीत गए तो राजा बने, मर गए तो कोई बात ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण देश शासकत्व ने शास्त्री खान नामा प्रेष्यते इति श्रूयते, ऐसा सुना गया है। ऐसा सुना गया है, कौन सुना है? ये सुनने वाले लोग हैं, ये गुप्तचर हैं, ये सब सुनते हैं। ये सब सुनते हैं, सुन करके उसी प्रकार का कार्य प्रलाप सब करते हैं। यहाँ जंगल में इस रास्ते पर, ये जंगल में रास्ते पर गुरुकुल बना है। ये गुरुकुल से ज़्यादा गुप्तचर कुल है, गुरुकुल से ज़्यादा गुप्तचर कुल है। और गुप्तचर हमेशा ऐसे कभी दाढ़ी बढ़ाकर, कभी संत बनकर, कभी महात्मा बनकर, कभी भिकमंगा बनकर, कभी मास्टर बनकर ऐसे घूमते हैं। कोई भी गुप्तचर राह का आदमी अपना बिल्ला लगा के नहीं घूमता है। समझ में आया? वो ऐसे ही घूमते हैं। तो आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये भी बताइए, शिवाजी अपने पढ़ाई लिखाई की बात करो, शास्त्र की बात करो, उपनिषद की बात करो, वेद की बात करो, शास्त्रीय आचार इनकी बात करनी चाहिए ना। वो कहता है कि हमने ऐसा सुना, ये बड़ी गोपनीय चीज़ है। आप बताइए औरंगजेब किसको राजा बनाकर कहाँ भेज रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा गोपनीय समाचार है। बोलिए, और ये गोपनीय समाचार किसके पास है? ब्रह्मचारी गुरु के पास है। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि ऐसा सुना गया है। अब आगे उन्होंने कहा महाराष्ट्र देश रत्नम एवं शोणित पिपासा कुल कृपाणः वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर दंडः। मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम भूषणम भटानाम निधिर्नीतिनाम कुलभवनम कौशलानाम पारावार परमोत्साहनाम कश्चन प्रातस्मरणीयः स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहिलः शिव एव धृतावतारः शिव वीरः जास्मिन् पुण्यनगरात् नेदीयस्येव सिंहदुर्गेश सेनो निवसति। इन्होंने कहा महाराष्ट्र देश के रत्न के समान, पूरे महाराष्ट्र के लिए जो रत्न के समान है ऐसे। और यमन माने मुगलों की शोणित माने खून की, पिपासा माने प्यास से जो व्याकुल है, ऐसे कृपाण को धारण करने वाले, ऐसी तलवार को धारण करने वाले, जो मुगलों की खून की प्यासी तलवार को धारण करने वाले और वीरता रूपी सीमंतनी वीरता रूपी नायिका के सीमंत यानी मांग में सुंदर सांद्र माने गाढ़ा गाढ़ा सिंदूर दान करने वाली बाहुओं से भुजदंड है जिनके, अर्थात वीरता रूपी सुंदरी के मांग में जो सिंदूर भरते हैं, अर्थात वीरता जिनकी वजह से सुहागन है, वीरता रूपी कामिनी के वीरता रूपी सीमंतनी के मांग में जो सिंदूर डाले, ऐसे भुजदंडों को धारण करने वाले शिव वीरहा। कौन?
बोले वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान, दे दीप्यमान कौन दुर्दंडा, ऐसी भुजाएं जो दे दीप्य होती वीरता रूपी कामणी के मांग में सिंदूर डालने वाले ऐसी भुजाएं। बोले मुकुट मणि ही, मुकुटों में मणि सबसे ऊपर लगती है, मुकुट भी सिर के ऊपर होता है, मुकुट सिर के ऊपर रखने वाली चीज है और मणि तो मुकुटों में भी सबसे ऊपर लगती है। बोले मुकुट मणि ही महाराष्ट्राणा, मुकुट मणि ही महा, यदि महाराष्ट्र हमारा मुकुट है तो शिवाजी उस मुकुट में लगने वाली मणि है और जो मुकुट में भी सबसे ऊपर लगती है। ऐसे मुकुट मणि ही महाराष्ट्राणाम भूषणम भटानाम, जितने भट्ट हैं जितने सुभट्ट हैं वीर हैं उनके लिए आभूषण के समान उनके लिए। और निधिर नीति नाम, नीति के मार्ग पर चलते हैं, अनीति के मार्ग पर कभी नहीं चलते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता चलूं, यहाँ पर कहते हैं कि एक बार उनकी किसी लड़कियों को पकड़ करके, मुगल की लड़कियों को पकड़ करके उनके सैनिक लेकर के आए, बड़े सम्मान के साथ शिवाजी ने वापस किया और उन सैनिकों को फटकारा कि जिंदगी में फिर इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये है निधिर नीति नाम। युद्ध क्षेत्र में हम युद्ध में लड़ने वाले लोग हैं, उनके घर की बहुओं को यहाँ पर ला करके पूरे सम्मान के साथ वापस किया उसी तरह। ये है निधिर नीति नाम। कुल भवनम कौशला नाम, कौशलों का मानो आगार था, पारा वारा मन समुद्र है, परमोत्साह नाम, परम उत्साहियों के लिए मानो इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना जोश है कि मानो समुद्र, मानो वो उत्साह का समुद्र है, जोश के समुद्र हैं। कश्चन प्रातः स्मरणीय, जिनको सवेरे सवेरे स्मरण करने योग्य, सवेरे सवेरे जिनका नाम लिया जाए ऐसे प्रातः स्मरणीय, स्वधर्म अपने धर्म के प्रति जिनका बहुत आग्रह है और इतना आग्रह है, इतना आग्रह है कि ग्रह ग्रहिला, इतना आग्रह है कि उसको ग्रह मैंने पकड़े हैं और गहराई से पकड़ते हैं अपने धर्म के प्रति, इतना आग्रह है कि चाहे मर जाए लेकिन अपना धर्म, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। ये है धर्म आग्रह ग्रह ग्रहिला शिव इव धृता अवतार, मानो भगवान शिव ने ही अवतार धारण कर लिया हो शिवाजी के रूप में। शिव इव धृता अवतार उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो शिव ही अवतार लेकर के शिवाजी हो गए हों, ऐसा शिव भी रहा, ऐसे शिवाजी अस्मिन पुण्य नगर, ये पूना नगर है, पुण्य नगर माने पूना, हाँ तो पुण्य नगर के नेदीयस, अभी आपने नेदीयस ही सुना है, समीप में पुण्य नगर के समीप एक सिंह दुर्ग है, उसी में सेना के साथ निवास कर रहे हैं, ससेना निवास, दोनों देखना, दो बड़ी सीक्रेट बात ब्रह्मचारी गुरु को पता है। सेना के साथ शिवाजी कहाँ हैं, ये सीक्रेट है कि नहीं, और उधर का बड़ा सीक्रेट है, शास्ति खान दक्षिण देश का राजा बनाकर भेजा गया है, ये भी बड़ा सीक्रेट है शत्रुओं का, और हमारे राजा इस समय कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सेना के साथ हैं, कहाँ ठहरे हैं, ये भी बड़ा सीक्रेट है, और ये दोनों सीक्रेट ब्रह्मचारी गुरु के पास है, दोनों रहस्य। बोलो हाँ, शत्रु क्या कर रहा है और शत्रु के खिलाफ हमारे राजा क्या कर रहे हैं, और ये यही मीडिएटर है कौन, ब्रह्मचारी गुरु। ये वो घटनाएं हैं जो अभी आप दिमाग में बढ़ा लोगे तो आगे चलकर कथा से स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ गौर सिंह और श्याम बटू पढ़ने नहीं आए हैं, पढ़ते तो है ही, हम रहेंगे जंगल में तो सारा दिन लड़ेंगे थोड़ी ना, पढ़ते पढ़ते और क्या करते हैं, तो अपनी पढ़ाई भी की जाए, TGT की तैयारी भी की जाए, लेकिन राष्ट्र को देश को कभी भूला ना जाए, सब कुछ करते हुए भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने यही है धर्माग्रह ग्रह ग्रहिला, सब कुछ करते हुए भी वो राष्ट्र के लिए देश के लिए कहाँ पर क्या चल रहा है इसके प्रति आग्रही हैं। और बोले सिंह दुर्गे ससेनो निवसति विजयपुराधीश्वरेण, बीजापुर, विजयपुर माने बीजापुर, आजकल का बीजापुर, विजयपुर के अधीश्वर राजा के द्वारा सांप्रतम इस समय अस्य प्रवृद्धम वैरम, इस समय वैर बढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश में रह करके ही देश के साथ गद्दारी करते थे, कोई आज की बात थोड़ी ना है, ये तो शिवाजी के भी जमाने में था। बीजापुर के राजा से शिवाजी ने यही कहा कि आपकी सेना और हमारी सेना दोनों मिलकर के मुगलों से लड़े, बीजापुर ने काम को मरना थोड़ी है, हम मरेंगे थोड़ी ना, और जो जो राजा उनके अधीनता को स्वीकार करता था उसको वो अपनी ओर से अपन उसके अधीन में काम करे, राजा बने रहो।
हमारी अधीनता में काम करो, राजा बने रहो, तो कम से कम नहीं सहयोग, न सपोर्ट, न लड़ना, बल्कि बीजापुर की सेना भेजी जाती थी शिवाजी से लड़ने के लिए। इसीलिए प्रवृद्धम बैरम, और बैर होने का कारण क्या है भाई? आप अपने देश के साथ भी खड़े नहीं हो, और वैसे भी देश को नष्ट करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करने दे रहे हो। पहले हर छोटे छोटे बहुत सारे राजा हुआ करते थे, और ये सभी राजा किसी भी विदेशी आक्रांता के प्रति एकजुट नहीं हुए। शायद इसीलिए एक बार भारत गुलामी क्या दंश झेल चुका है, और यही वो कहानी बता रहे हैं कि इसीलिए। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, कार्यम वा साध्येयम देहम वा पापेयम, या तो कार्य संपन्न करूंगा या तो शरीर छोड़ दूंगा। कार्यम वा साध्येयम देहम वा पापेयम, कार्यम वा साध्येयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य पूरा करूंगा या तो शरीर छूट जाए। शरीर तो वैसे भी छूट जाएगा, कार्यम वा पातेयम ये तो आप करो ना करो, ये तो होना ही होना है, पर कार्यम साध्येयम ये आपके हाथ में है। या तो कार्य पूरा करने के बाद मर जाओगे, मरना तो तय है, आखिरी वाली लाइन तो पक्का सेट है, देहम वा पातेयम। या तो भगत सिंह की तरह, भगत सिंह ने देहम पातेयम बहुत पहले अपने शरीर को छोड़ दिया, नहीं तो क्या भगत सिंह 10 20 25 साल और जीते, 30 40 साल और जीते, और क्या करते, 50 साल जीते, 60 साल जीते, क्या देह पतित नहीं होता क्या? लेकिन गुरु मरना तो भगत सिंह का ही मरना है, मरना इन्हीं लोगों का मरना है कि चंद्रशेखर मर तो वैसे भी चंद्रशेखर जाते नहीं मरते, आज नहीं मरते, 10 साल बाद मरते, 20 साल बाद मरते, 25 साल बाद मरते, नहीं मरते क्या, 50 साल बाद मरते, लेकिन मरते गुरु। इन्होंने अपना मरना भी संवार लिया, इन्होंने अपना मरना भी संवार लिया कि आज आप हो सकता है अपने बाबा के बाबा का नाम ना जानते हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हैं, क्योंकि हमारे बाबा के बाबा ने ऐसा कुछ चंद्रशेखर जैसा किया ही नहीं था। तो अपनी वंश के लोगों का नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन गैर वंशियों का नाम जानते हैं। जो आदमी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करेगा, दुनिया उसी को याद करेगी, और नहीं तो अपने कुल खानदान का बंदा आपको, अगली पीढ़ी का आदमी आपका नाम भूलने वाला है, आपने काम ही ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा कार्यम वा साधी, कार्य संपन्न करना ये आपके हाथ में है, देहम तो पातेयम होगा ही, देहम तो पातेयम होगा ही। बहुत सारे लोग होते हैं सारे, कोई काम नहीं हुआ फिर भी देह हम पाते, फिर तो शरीर छूट ही जाता है, कुछ कर ही नहीं पाए, कार्य कोई बड़ा काम नहीं हो पाया, देश का, राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, कल्चर का कोई बड़ा काम आपके हाथ से नहीं हो पाया, तब भी जाने रहो, ये काम तो पक्का होगा, देहम वा। तो इसीलिए जब तक जिंदा हो तब तक क्या कर लो, बोले दे कार्यम वा साधेयम, कार्यम वा हाँ। इसीलिए कभी कभी इन पंक्तियों को लेकर के चलता हूँ। गुरु देखिए, आप यहाँ आए हैं सच्ची में, हम आपसे वो तो काम से दिखता होगा, अभी नहीं दिखता तो आगे कुछ सालों में दिख जाएगा, नौकरी छोड़ करके यहाँ कमाने आई नहीं थी, कमाने के मूड में होते गुरु ना तो आज तक भी बहुत कमा लिए, यहाँ तो कमाने वाले लोग कमा लेते हैं, अपना तो मकसद ही कुछ और है, अपना तो मकसद ही। इसीलिए देखिए सब जगहों पर जितना सरल से सरल, आसान से आसान हो सकता है उतना करने की कोशिश, क्योंकि मुझे पता है कि देहम वा पातेयम, क्या पता कल मर जाए, और क्या पता कल मर जाए तो जो कार्यम साध्येयम, जो काम हमने हाथ में लिया है हो ही नहीं पाए। इसीलिए YouTube चैनल में वीडियो को ऐसे देने के पीछे रीजन यही है, लाख डेढ़ लाख रुपया कमा करके ये ऐप बनवाने के पीछे रीजन यही है। नहीं लोग कहेंगे सर पूरा है फ्री में दे दिया, अब कौन आपसे पढ़ेगा, जरूरी नहीं है, हम नहीं रहेंगे तब भी लोग पढ़ेगा। आपने जो काम हाथ में लिया है वो होगा कि नहीं, नहीं तो आज नहीं तो कल मर जाओगे, परसों, कोई जान, मरने की डेट फिक्स है क्या? नहीं तो बोले तो अरे सर अभी कहाँ मरेंगे, अभी तो 40-50 साल और जियेंगे, कौन पता, कहाँ पता कल सवेरे उठबे ना करें, भूकंप आ जाए, किरवा काट ले, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, डूब जाए, गाय संगम में नहा जाए, डूबा के मर जाए, कौन जाने, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। अभी देखे ये जो हमारे देश की रक्षा के लिए ही तो जवान जा रहे हैं, कोई जानता था क्या क्या होगा। मृत्यु एक ऐसी चीज है गुरु, कभी कोई नहीं जानता क्या होगा। इसीलिए जब कोई सद्व्यवहार सत्कर्म मेरे मस्तिष्क में आता है, तुरंत करो,
अभी करो। किसी ने बताया कि सर ऐप आप कर देंगे, उसमें दिक्कत होती थी कि लोगों को एक वीडियो मिलता था, एक कहीं और चला जाता था, दूसरा कहीं और चला जाता था, पहला श्लोक कहीं और है, तीसरा कहीं और, चौथा कहीं और है। मैंने अपनी मीटिंग बुलाई, मैंने बोला कि इसको सही कैसे होगा। बोले कि सर ऐप बनेगा। बोले कितना लगेगा? बहुत सारे लोगों से बातें हुई, इतना लगेगा, इतना लगेगा। बोले सर 1.5 लाख लगे, उनको नबी दो, उसको पैसा दो, बनवाओ। और कोलो तो सब लोगों ने कहा, राहुल जी ने कहा सर ऐसा मत करिएगा, प्लीज़ ऐप मत दीजिएगा, कोई नहीं लेगा, कोई हमारे कोई ये नहीं करेगा, तुम्हारा आना देखो कि अपना काम देखो, देहम पातियम हो जाएगा बोलो। और हमारा हम लक्ष्य लेकर के निकले हैं कि संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठापित करना है देश में। यदि हम संस्कृत जानते हैं तो फिर से दुनिया को एक बार संस्कृत के लिए झकझोरना है, फिर से दुनिया में संस्कृत के मास्टर तैयार करने, घर घर में संस्कृत का बंदा तैयार करना है, तो ये तो हम मरने के बाद तो लुल्ल हो जाएंगे। क्या पता अगली बार यमराज कहें कि गुरु यहीं रहो, क्या पता यमराज कहें यहीं संस्कृत पढ़ाओ, कुछ अच्छे आदमी की जरूरत हर जगह होती है। बोले सर कहें स्वर्ग नहीं जा सकते? अरे स्वर्ग में संस्कृत वाले बहुत, बृहस्पति वहाँ पहले से बैठे हैं, अब बृहस्पति की जहाँ कोचिंग चल रही हो वहाँ हमारा कैसे चलेगा, इसीलिए हम वहाँ नहीं सोचे हैं, लेकिन यमराज के यहाँ तो जरूरत है। बोलिए कहीं भी हो अका पता ना भेजें, हम कह दें भगवान जाने दो। इसीलिए गुरु इस जन्म में तो जितना मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, मैं सेना में तो नहीं हूँ कि सेना के लिए कुछ कर पाऊँ, पर जहाँ पर हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, जो कर सकता हूँ, अपनी जगह में टोटल 100% देने की कोशिश करूँगा, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। नहीं यूट्यूब तो हर जगह है ही। ए, हमारे सब्सक्राइबर यमराज भी सब्सक्राइबर है, उनको भी इधर से 3G 4G भेजना है। अब जितने यहाँ रणुआ बैठे हैं अगर तो शादी.com खोले हमारे बिना कराए तो एक एक ठोरे दो दो ठोरे के मां सांटे बैठे हैं। अब एक एक तो हमारे तरफ से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और इसके लिए भी कार्यम व साधे विपंक्ति मेरे जीवन के लिए भी बहुत 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 आपको हमेशा देने वाली है, तो कहीं जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिख लीजिएगा कार्यम व साधेयम देहम वा इत्यस्य सार गर्भा महती प्रतिज्ञा इत्यस्य सार गर्भा। ऐसी सारगर्भित बहुत महती प्रतिज्ञा है। बोले सती नाम सतियों के लिए, सताम सज्जनों के लिए, त्रैवर्णिकस्य वर्णों के लिए, आर्य कुलस्य आर्य कुल के लिए, धर्मस्य धर्म के लिए, भारतवर्षस्य च और भारतवर्ष के लिए, आशा संतान वितानस्य अयमेव आश्रया। बोले सबकी आशा के विस्तार का अयमेव, यह शिवाजी ही एकमात्र आश्रय है, एकमात्र सारी लोगों की आशाएं शिवाजी ही हैं। इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य, यही भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। किम अधिकम विनिवेदयामो, मैं ज्यादा क्या कहूँ, योग बल अवगत, योग बल से आप सब कुछ सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु, अभी जो गोपनीय वृत्तांत हैं उन सभी गोपनीय वृत्तांतों को भी आप योग बल से जान लेंगे योगी राजेश। इति कथयित्वा विरामो, ऐसा कह करके चुप हो गए। कौन चुप हो गए? ब्रह्मचारी गुरु। कितना बताए? सारी कहानी सारे इतिहास बताए। शिव इव धृता अवतार, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, शिव इव धृता अवतार, मानो भगवान शिव ही शिवाजी के रूप में अवतार ले लिए। कभी कभी पंक्ति दे करके पूछ लेते, यहाँ साफ साफ उत्प्रेक्षा हो ऐसी पंक्ति बहुत बार पूछ लेता है ना, जैसे कोप ज्वाला ज्वलिता है योगी प्रोवाच, सुस्पष्ट उत्प्रेक्षा है। शिव इव धृता अवतारा, सुस्पष्ट उत्प्रेक्षा है, संभावना की गई कि मानो भगवान शिव साक्षात शिवाजी के रूप में अवतार ले लिए हों। इस प्रकार की पंक्तियां कभी बीच से उठा करके आपसे पूछ लेता है, तो ऐसी पंक्तियों को मैं बताता चलता हूँ आपको, 2 बार 3 बार 4 बार याद भी दिलाता चलता हूँ कि जहाँ भी कहीं इस तरह के आए तो आप जरूर इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, कभी भी आप इससे गड़बड़ाइएगा नहीं। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी क्या, कार्यम वा देहम वा, तदा करने इतना सुनकर
विविध भाव भंग भासुर वदना, विविध प्रकार के भाव भंगिमाओं से चमक गया है जिसका वदन मुख, वदना हमारे मुख, विविध प्रकार के भाव भंगिमाएं, भाव भंगिमा भी कभी कहीं से खुशी भी, कभी गम भी, कभी गुस्सा भी, कभी तेज भी, कभी वितृष्णा भी, कभी विभत्सता भी, इस प्रकार के विविध प्रकार के भाव भंगिमाओं से चमकने लगा वदन मुख योगिराज का। और मुनिराजम और मुनिराज को और तत्सहचरांश और उनके सहचरों को निपुणम निरीक्ष, बहुत निपुण चतुरता से, बड़ी निपुणता से, कुशलता से, सावधानी से देखा, किसने? योगिराज ने। अब ये देखना एक ज्योतिषी विद्या का देखना है, बड़े ध्यान से देखे कि ये लोग हैं कौन, ये असली में अभी तक तो केवल देखा था, निपुणम निरीक्ष नहीं था। अब योगिराज के लिए अंबिका दत्त व्यास ने लिखा कि उनको भी, मुनिराजम को और तत्सहचरान को, मुनिराज यानी ब्रह्मचारी गुरु को भी और उनके सहचर गौर सिंह श्याम बटू सब लड़कों को ठीक से देखा कि ये साले हैं कौन। देखा किसने? और इतने नहीं लिखा, तेषाम अपि उनकी भी शिव वीरा वीर अंतरंगताम, शिव वीर अंतरंगताम, वो ये जान गए कि शिववीर के सब अंतरंग हैं, अंतरंग माने एकदम भीतरी लोग हैं, ये शिववीर के ही भीतरी लोग हैं, उन्हीं की सेना के लोग हैं, उन्हीं के गुप्तचर हैं, उन्हीं के लोग हैं, इति अंगीकृत्य जान लिया बाबा ने। ये लोग बताए नहीं, देखो कोई बताया? अरे बातों से पता चल जाता है कि तुम भाजपाई हो कि सपाई हो। निपुणम निरीक्ष, क्या लिखा? और फिर ये बाबा तो भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला योगिराज है, और इतनी सारी आपने बातें बताई तो पता नहीं चल गया कि शिवाजी के पक्ष में बोल रहे हैं कि औरंगजेब के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको दग्ध मुखा कह रहे हैं, साला मुंह जला, लूट ले गया, कुत्ता खमीरा, समझ नहीं गए किसकी ओर के हैं ये, बोले हाँ। और इनको कहा कि निधिर नीति नाम महाराष्ट्र रत्नम, ऐसी भाषा से समझ में नहीं आ जाता, बोलिए ये जब शिवाजी के लिए बोल रहे थे तो कह रहे थे शिव विध्रता अवतार, बोलिए हाँ। और औरंगजेब के लिए जब बात कह रहे थे, अकबर के लिए जब बातें कर रहे थे, महमूद गोरी के लिए जब बात कर रहे थे, महमूद गजनवी के लिए जब बात कर रहे थे, तब की भाषा में, और जब शिवाजी के बारे में बात, तब की भाषा में समझ में नहीं आया आया। और इन्होंने ये जान लिया कि ये अंतरंग है सब उनके। और मुनिवेश व्याजेन, मुनिवेश केवल धारण किए, ये व्याज है, ये बहाना है, मुनिवेश धारण करना तो केवल स्वधर्म रक्षा वृत्ति न, ये अपने धर्म के सब रक्षा करने वाले व्रति हैं, अपने धर्म की रक्षा लेने, रक्षा करने का जो व्रत लिए हैं ऐसे लोग हैं। चा उररी कृत्य, ऐसा हृदय से जानकर विजयताम शिववीर, विजयताम सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथाः, सिद्ध्यन्तु इति मंदम व्याहर्षित। योगिराज ने सब जान लिया, विजयताम शिवीरा, पठ्यताम लिख्यताम चल्यताम गम्यताम, ऐसे विजयताम, विजयताम, विजय होवे किसकी? शिवाजी सिंह दुर्ग में सेना के साथ ठहरे हुए हैं, शास्त्री खान लड़ने के लिए चल दिया है, युद्ध होने वाला है, बिना आशीर्वाद लिए ही, बिना प्रणाम किए ही आशीर्वाद मिल गया। ध्यान देना, अभी यहाँ सिंह दुर्ग में सेना रुकी है किसकी? और शास्त्री खान दक्षिण देश का राजा बना करके लड़ने के लिए भेज दिया गया है, युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, लेकिन युद्ध का रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, इधर पता हो गया। इन्होंने कहा विजयताम शिववीरः, विजयताम और सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथाः, सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथाः, भवताम आप लोगों का मनोरथ भी सिद्ध होवे, ये आशीर्वाद है योगिराज का आपके लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी, योगराज की आपका जो जो मनोरथ हो, जिसका जो जो मनोरथ हो वो सिद्ध हो। कुछ लोगों का मनोरथ टीजीटी में मास्टर बनना है, कुछ लोगों का मनोरथ जैसे भी भाई साहब कह रहे थे ब्याह है, नहीं हो रहा। तो यहाँ तो सिर्फ बात ये करें कि जिसका जो मनोरथ हो, मनोरथ समझ में आ गया? हाँ, तो जो जो मन में रखा हो कि हे भगवान इतने दिन से समझी गंगा मारने कौठ नहीं मिली आही, अरे देखा मिले का रहा ओ का मिली गई हाँ वै। फिर से एक बार योगराज का आशीर्वाद आपके लिए, दोनों हाथ उठा करके
जिसका जो मनोरथ हो योगिराज की भाषा में, सिद्धिन्तु भवताम। बोले सर ये क्या आशीर्वाद दे रहे, हम कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे, हम तो योगिराज की बात बता रहे हैं, जो आपका मनोरथ हो वो पूर्ण हो। अभी जेका मिला उसका पता है, अजेका नहीं मिला वो का पता है, मारे होका मिल गए थे जलन के मारे, उनके खाना नहीं खवाता है, सिद्धांत भवता। लेकिन आपका भी मनोरथ सिद्ध होवे ऐसा विदेताम श्री मेरा, शिवाजी की जय हो और आपका मनोरथ पूर्ण हो। इति मंदम व्यहारशीत, ऐसा धीरे से उन्होंने कहा। हाँ तो ये आप ध्यान रखें, व्यहारशीत में वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं और ह्री धातु का लुंग लकार का प्रयोग है। किसका लकार का? लुंग, प्रथम पुरुष का एक वचन, व्यहारशीत बोलने के अर्थ में, व्यहारशीत किस अर्थ में आया। और आकरण भी आपने देख ही लिया, लेप प्रत्यांत निरीक्ष में भी लेप प्रत्यय है, निर है, उपसर्ग है और ईक्ष धातु है, लेप प्रत्यय लगाएंगे निरीक्ष में, निपुणम निरीक्ष, क्या लिखा है कर लेंगे। यहाँ से व्यहारशीत आपसे पूछ सकता है, विजयताम शिवीरा सिद्ध्यंतु भवताम, सिद्ध्यंतु सिद्ध्यताम सिद्ध्यंतु, पठंतु पठताम पठंतु, तो सिद्ध्यंतु क्या, सिद्ध्यंतु मनोरथाः सिद्ध्यंतु, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, जो आपके मनोरथ हैं जो आप सोच रहे हैं वो पूर्ण होंगे। कर लेंगे इसको, अथ किमपि पिपृच्छिष्यामि, अथ किमपि, बोलिए अथ किमपि पिपृच्छिष्यामि, जैसे पिपठिष्यामि जिगमिष्यामि, जाने की इच्छा करता हूँ, पिपठिष्यामि पढ़ने की इच्छा करता हूँ, ऐसे पिपृच्छिष्यामि पूछने की इच्छा करता हूँ, षडंत प्रयोग किया इच्छा करने के अर्थ में, अर्थात पिपृच्छिष्यामि पूछने की इच्छा करता हूँ, किसने कहा। इति शनैः विधाय, ऐसा धीरे से कहकर बद्ध कर संपुटे, अब कर संपुट समझ गए, ये कर है उसका संपुट, तो बद्ध कर संपुटे सोत्कंठे, बड़ी उत्कंठा के साथ, जटिल मुनौ, जो जटा वाले मुनि हैं, अवगत, इतना ऐसा उन्होंने कहा कि महाराज कुछ पूछना चाहते हैं, बस इतना ही बोल रहे हैं, महाराज कुछ पूछना चाहते हैं, कौन पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तब तक उसके पहले कर दिया अवगतम, पूछना क्या चाहते हो ये भी जान गए, सवाल बिना पूछे ही जान गए योगिराज, सवाल बिना और बोले अवगतम, क्या पूछोगे मुझे पता है, तो उन्होंने जवाब दिया सीधे, क्या कहा, बोले यमन युद्धे विजयः एव, जो शास्त्री खान के साथ अवश्य संभावित थोड़े दिन में युद्ध होने वाला है, उसमें विजयः एव, विजयः एव, पराजय का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जीतेंगे ही, क्या करेंगे, विजयः एव। दैवात, एक घटना और हुई थी, शिवाजी किसी कारण से पकड़े गए थे, बोले दैवात आपदग्रस्तो अपि, भाग्यवशात यदि विपत्ति आ भी जाएगी तो सखि सहायेन, अपने मित्रों की सहायता से, आत्मानम अपने आप को उद्धरिष्यति, अपना उद्धार कर लेगा, अपने आप को छुड़ा लेगा, अपने आप से वहाँ से हट के आएगा। कहानी आपको बताएं, हाँ पकड़े गए थे और रघुवीर सिंह की सहायता से फिर ये छूट के आए थे, तो बोले विपत्तिग्रस्त, विपत्ति आएगी लेकिन अपने मित्रों की सहायता से फिर। इति समभाणी, तो ऐसा वो बोले, कौन बोला, हाँ ये कथन योगिराज का है।